नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से डिफरेंट से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक ऐसी औरत के बारे में कहानी पता चलेगी, सच्ची घटना की सच्ची कहानी भाई, ऑब्वियसली, जो कि प्रेग्नेंट थी। वो प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ ऐसा अजीबो गरीब फेस की जो कि आप शायद कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुंबई की घटना थी जी, आज अपनी जुबानी पूरा स्टार्टिंग से बताई कि हुई क्या हुआ था बताओ। ये जो घटना घटी थी 2020 में घटी थी और ये घटना नाला सुपारा में घटी थी। लेकिन सबसे पहले मैं इस लड़की का नाम बता देती हूँ और ये लोग कहाँ कहाँ पे रहते हैं, क्या क्या करते, सब कुछ बता देती हूँ। इस लड़की का नाम रूही है और इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन 2020 में मार्च में कुछ ऐसा इसकी लाइफ में हुआ जिसकी वजह से पूरा उतल पुतल हो गया। क्या था, 2020 में इसका ससुराल सेंटा क्रूज में था, अपने पति के साथ सेंटा क्रूज में रहती थी और उसकी जो मॉम थी और भाई और नानी, ये लोग मीरा रोड में रहती थी। माइका मीरा रोड, हाँ, और ससुराल सेंटा क्रूज। हाँ, तो क्या होता है कि 2020 मार्च का टाइम था, इसके पति से इसका झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है किसी चीज को लेके। हाँ, और ये प्रेग्नेंट भी थी, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो इसके पति झगड़ा होने लगता है, दोनों का जम नहीं रहा था, बहुत ज्यादा झगड़ा इतना बढ़ने लगा था कि ये सोचती है कि मुझे शायद यहाँ पे रहूंगी तो मेरे हेल्थ के लिए, मेरे बच्चे के लिए और सब कुछ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और झगड़े वाले माहौल में खास करके बच्चों को नहीं रह सकते। वो प्रेग्नेंट थी, सोचती है, उसकी माँ भी बोलती है हाँ बेटा, अगर इतनी लड़ाई हो रही है, नहीं जम रहा है उसके साथ, तो आ जा घर पे। ये मीरा रोड झगड़ा इतना होता है कि वापस आ जाती है अपने मॉम के पास। लेकिन जब ये मीरा रोड आती है तो क्या होता है, इसकी मीरा रोड आने के 2-3 दिन बाद ही जो इसकी मॉम थी, जिनका घर था, उसके मकान वाले का फोन आता है। वो बोलता है कि आपको घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि घर मैंने बेच दिया हूँ। ये लोग रेंट पे रहते थे मीरा रोड में। तो बोलते हैं कि अभी घर खाली करना पड़ेगा, कहाँ रहेंगे, और बेटी भी घर पे आ गई है अपना ससुराल छोड़ के, वो भी खर्चा बढ़ गया, ऊपर से प्रेग्नेंट है, उसके खाने पीने का खर्चा, एक लड़की का खर्चा उठाना है, और जो नानी थी वो भी बूढ़ी थी लड़की की, उनका खर्चा उठाना है, मतलब कैसे कैसे करूंगी सब कुछ, बहुत टेंशन में जाती है। और मीरा रोड में अच्छी खासी महंगी चीज घर मिलते हैं, जो भी घर होंगे किसी भी एरिया में मीरा रोड महंगे ही मिलते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। तो इसकी मॉम डिसाइड करती है कि हम लोगों को नाला सुपारा शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे रेंट जो होते हैं सस्ता है, विरार में नाला सुपारा में दोनों जगह सस्ता है। तो वो सोचती है कि हमको वहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, वहाँ पे घर देखना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे जब घर देख ही रही होती है, उनको ना एक बिल्डिंग में, जो थोड़ी पुरानी बिल्डिंग थी, वहाँ पे उनको मिलता है जो 1 BHK का फ्लैट देखती है, बहुत सस्ते मिल जाता है, बहुत सस्ते में। उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतने सस्ते में कोई फ्लैट हमको मिल सकता है, मतलब नहीं बताई कितने में, लेकिन बहुत सस्ते मिल जाता है। तो वहाँ पे नाला सुपारा में उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं ये लोग, नानी, ये रोही, उसका भाई और मॉम, जाके वहाँ पे चारों लोग शिफ्ट हो जाते हैं नाला सुपारा के उस घर में। जब उस घर में शिफ्ट होते हैं तो स्टार्टिंग के तो मतलब 8-10 दिन सब कुछ ठीक ठाक था, मतलब ऐसे अलग घर में, नए घर में जाओ थोड़ा तो अलग लगता ही है। उनको लग रहा था कि शायद हो सकता है इसकी वजह से अलग लग रहा होगा, लेकिन उनको रात में नींद नहीं आती थी, बहुत नेगेटिविटी फैलती थी उनके घर पे। मतलब रात में से नींद नहीं आना, अनकंफर्टेबल होना, तो उनका ऐसा लग रहा था हो सकता है हम नए घर में शिफ्ट के, इसलिए भी हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, जगह बदलो तो गड़बड़ हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 8-10 दिन के बाद इनके साथ कुछ बहुत अलग होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मतलब ये लोग मान लो अपने हॉल में बैठे हुए हैं, बैठ कर टीवी देख रहे हैं, और अचानक से इनका जो बाथरूम था वहाँ का नल चालू हो जाता है और जोर जोर से पानी गिरने लगते हैं। तो इनको लगता है, जो लड़की थी इसको लगता है, रोही को, कि ये मेरे भाई की शरारत होगी क्योंकि ऐसी हरकत करता है वो, और पहले भी मैं उसको डांट चुकी इन चीजों के लिए, तो पानी मत चालू करके छोड़ा कर, ऐसे फुकट में मतलब चीजें मत किया कर। तो वो बोलती है अपने भाई को, तूने फिर बाथरूम का पानी चालू करके छोड़ दिया, तुझे पता है मुंबई में पानी कितनी कमी होती है, ऐसी हरकत मत किया कर। तो उसका भाई वहीं पे उसकी बाजू में बैठा हुआ था, लेकिन वो देख नहीं रही थी, तो उसकी मॉम के पास बैठा हुआ था, बोलता है मम्मी मैंने कब चालू किया, आप तो देख रहे हो मैं कब से आपके साथ बैठा हूँ, और नानी भी यही बैठी हुई, हम चारों यही बैठे टीवी देख रहे हैं, तो मैंने कब चालू कर दिया। इनको ऐसा अजीब लगता है कि अपने आप नल कैसे चालू हो गया। लेकिन फिर एक घड़ी सोचते शायद लूज हो गया होगा नल, इसलिए भी चालू हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना माइंड नहीं करते हैं। उसके बाद से ये जो नल चालू होने वाला जो ये था ना सिलसिला, ये चालू ही हो गया रोज, कभी भी रात में सो रहे अचानक से बाथरूम का नल चालू हो जाता था और पानी बहने लगता था, पूरे घर में पानी पानी हो जाता था। दिन में कभी बैठे हुए कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा लगता था कि पानी चालू हो गया है, उनको पता भी नहीं चला, टीवी देख रहे हैं, तो पानी बाहर बहने लगता, स्पीड में पानी बाहर आता था।
ये लोग नल भी दिखाए सुधरवाए उसके बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है। लेकिन इतना मतलब बोलते ना सोचते नहीं है, माइंड नहीं करते कि मतलब ऐसे कोई भूतिया चीजें या भूतिया एक्टिविटी भी हो सकती है, इतना नहीं मानते। और मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते ऐसी चीज है कोई भी, तो क्या करते हैं उसके बाद से कुछ बहुत और वियर्ड होने लगता है इनके साथ घर पे। हाँ, इनके घर पे मान लो कि ये रूही है, वो उसके नानी या भाई कोई भी हॉल में या कहीं पे बैठा हुआ है बेडरूम में, अचानक सुनकर ऐसी आवाज आती थी कि उनकी मम्मी ने उनको बुलाया, दोनों लड़कों को और नानी को ऐसी आवाज आती थी मेरे बेटे ने मुझे बुलाया, और जाके पूछते थे क्या हुआ आपने बुलाया था, तो बोलती नहीं मैंने कब बुलाया। ये भी चीजें होने लगी। ये सब तो बहुत नॉर्मल लेवल पे थी, आगे और भी कुछ भयानक होने वाला था। क्या होता है कि एक दिन रात में सो रही थी रोही अपने बेड पे, वो बेडरूम में अपनी मम्मी के साथ सोती थी और जो हॉल वाला एरिया था वहां पे भाई और नानी सोते थे। अपने बेडरूम ऐसे सो रही है दूसरे साइड मुंह करके और दूसरी साइड मम्मी सो रही है उधर। तो उसके बाद क्या करती है, रात में सिर्फ 12 एक बजे का टाइम होगा, सो के करवट नहीं बदलते हैं लोग, जैसे जैसे करवट बदलती है और मम्मी की तरफ मुंह करती है, उसको ऐसा फील होता है किसी ने मुझे बहुत जोर से जकड़ा, बहुत जोर से किसी ने मुझे पकड़ा पीछे से। वो हिल डुल नहीं पाती, उसको लगता है अचानक से आंख खुलती है किसने पकड़ा मुझे। उसको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद जैसे ऐसे देखने की कोशिश करती है ऐसा, तो उसको ना एक औरत टाइप की कुछ दिखाई देती, उसकी शक्ल क्लियर नहीं थी, ऐसा लगता है कोई बहुत लंबी चौड़ी औरत है जो उसके बेड के वहीं पे सामने ही खड़ी है और मुझे जोर से पकड़ी हुई है, ऐसी दिखाई देती है। वो उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, छुड़ा नहीं पाती है। उसके बाद वो रोने लगती है जोर जोर से, बहुत जोर से रो रही थी, उसे छुड़ाने की कोशिश करती, कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके बाद जब उसकी रोने की आवाज थी ना, उसकी वजह से उसकी मम्मी की आंख खुल जाती है। उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ क्या हुआ, उठा के उसको देखती है, लाइट ऑन करती है तो अपनी मम्मी को सारी चीजें बताती है। बोलती है कि मैं यहाँ पे सोई हुई थी और ऐसा ऐसा मैंने कुछ देखा और ऐसा महसूस किया। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में कोई कोई चीजें इंसान को फील होती है। सही बात है। तो उसके बाद वो बहुत बताने की कोशिश करती है कि नहीं मम्मी ये प्रेगनेंसी वाली प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सच में ऐसा लगा मुझे पकड़ी है और मैं मेरे को अभी भी अपने बॉडी में दर्द महसूस कर रही हूँ मैं। उसकी मम्मी बोलती है सो जा यार, ऐसा होता है सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वहम होगा मम्मी ने। हाँ वहम होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद से उसके साथ डेली डेली ऐसी चीजें होने स्टार्ट हो गई। वो रात में सो रही होती थी और उसको वही औरत दिखाई देती थी, लंबी चौड़ी, कम से कम 6-7 फीट की होगी, इतनी लंबी चौड़ी औरत थी वो। वो दिखाई देती थी लेकिन उसकी उसका जो फेस था वो क्लियर नहीं था, ब्लैक कुछ अजीब सा दिखाई देता था। वो रोज उसको ऐसा लगता था पकड़ लिए, कभी उसका बाल ऐसा पकड़ ली, सुबह उठती थी उसका पूरा सिर उसका बाल में दर्द होता रहता था, वैसा वाला सिचुएशन हो गया था। रोज बिल्कुल परेशान हो गई थी वो, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मम्मी विश्वास नहीं कर रही है, आखिर हमारे साथ ये सब चीजें हो क्या रही है, और जब से हम इस घर में आए तब से ये सब चीजें हमारे साथ हो रही है। उसके बाद वक्त आता है इसका जो मतलब वहीं पे ही जब लॉकडाउन का टाइम था, जब ये सब कांड हो रहा था उसके साथ, जब लॉकडाउन थोड़ा बहुत खुलने लगता है और इसका जो 3 महीने की प्रेगनेंट थी वो 8वें महीने पहुंच जाता है, इतना टाइम तक उस घर में सफर कर रही थी, लॉकडाउन चला भी था। हाँ लॉकडाउन बहुत लंबा था। तो वो क्या करती है, उसके बाद 8वां महीना उसका स्टार्ट था, वो जाती है डॉक्टर के पास सोनोग्राफी कराने के लिए कि बच्चा सब ठीक है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ, इसके लिए जाती है वहां पे दिखाने के लिए। जब डॉक्टर उसको देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चा जो है ये बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि 8 महीने का बच्चा है, मतलब बहुत स्लो, मान लो कि 8 महीने का हो गया है तो, और 9 महीने आते आते 2-2.5 किलो का कम से कम बच्चा होना चाहिए, लेकिन बच्चा बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। शरीर की बनावट से भी समझ ना आ गया होगा डॉक्टर, हाँ, डेवलप नहीं किया कि बच्चा डेवलप नहीं हुआ है और 8 महीने एकदम हेल्दी भी दिखाई दे रहा है, क्या प्रॉब्लम, क्या कुछ समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारे पेट में ये बच्चे के साथ हो क्या रहा है। आखिर डॉक्टर दवाई मेडिसिन लिख के देते हैं और बोलते हैं कि ये मेडिसिन चालू करो फास्ट ग्रोथ के लिए बच्चे के, और अच्छा डाइट रखो, खाना पीना अच्छा रखो और किसी बात का टेंशन मत लो, इसकी वजह से भी बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है। तो वो घर पे जाती है, उसके बाद उसकी मम्मी को लगता है कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इस घर में, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब इतनी हमारी बेटी परेशान है, हम भी परेशान है, हम आए दिन किसी की आवाज आती है, नल चालू होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स इस घर में आती रहती है। तो उसकी मम्मी डिसाइड करती है कि अभी 8वां महीना चल रहा है, 1 महीना और है इसके बच्चा मतलब पैदा होने में, रिस्क नहीं लूंगी। जो ये रूही थी उसको उसके मामा के घर पे भेज देती है, वहीं पे नाला सुपारा में 10-15 मिनट के दूरी पे उसके मामा घर था, वहां पे भेज देती है
वहां पे वो जाती है अपने मामा का घर, वहां पे जाने के बाद उसके साथ जो भी चीजें हो रही थी एक्टिविटी वो पूरी तरह से बंद हो जाती है, पूरी तरह से बंद, कुछ कुछ भी एक्टिविटी ऐसे होती ही नहीं है। उसके बाद अपने मॉम को बताती है कि मॉम मैं यहाँ पे हूँ, सब कुछ हेल्दी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। और इसकी मॉम जाती भी रहती थी मिलने के लिए। 9 महीने होते हैं, 9 महीने के बाद उसका उसका बच्चा भी नॉर्मल पैदा होता है। उसके बाद से इसकी मम्मी सोचती है कि हमको इस घर में शायद नहीं रहना चाहिए, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। लेकिन उससे पहले वो सोचती कि एक बार मैं कुछ शुद्धिकरण या कुछ तो करवा के देखूं, कहीं कहीं रह लेता हूं, क्योंकि रेंट बहुत कम था और इतने लोगों खर्चा संभालना सब कुछ बहुत मुश्किल है मुंबई में, स्पेशली इतना खर्चा रेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है रेंट भी इसी कारण से कम रहा होगा। अभी तुम आगे सुनो तो सही, तो जो उसकी मम्मी थी वो उनके मतलब पहचान कोई आदमी थे, वो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। तो वो बोलते हैं कि एक काम करो तुम, ये अगर वो अगरबत्ती, कपूर और लोबान, ये तीन चीज रात में जला के अपने एक मतलब वहां पे विंडो के पास रख देना, और एक ना कांच का जो ग्लास होता है, कांच के ग्लास में पानी रख देना रात में। अगर सुबह उठोगे अगर वो पानी पूरी तरह से पीला हो गया तो तुम्हारे घर पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, ऐसा बोलते हैं। तो सोचती कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ, कहीं हमारा वहम तो नहीं है, इतना अच्छा सस्ता घर छोड़ के हमको जाना पड़ जाएगा। तो वो ऐसा सब रिचुअल करती है जो वो बताते हैं, और जब सुबह उठ के देखते हैं तुम विश्वास नहीं करोगे, वो पूरा पानी पीला पड़ चुका था, पूरी तरह से पीला। एक तो पानी से चेक करने वाला बहुत रियल होता है। हाँ। भी मुझसे कोई मिला भी था, उसने भी इस बारे में जिक्र किया था। हाँ। तो उसके बाद क्या होता है कि वो सोचती है कि नहीं यार, रेंट कम हो ज्यादा हो, कम खाएंगे अच्छे से रह लेंगे, कैसे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो कैसे भी रह लेंगे, लेकिन इस घर को छोड़ना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। सही बात है। वो डिसाइड करती है कि हमको आज ही इस घर को खाली कर देना चाहिए। अच्छा, जब जब वो पीला देखती है पानी डर जाती है वो, कि इतने दिन से ये सब चीजें हो रही थी और ये ऐसा हो गया। वो उसी दिन अपने भाई के घर पे चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं अपना सामान लेके, और उसके बाद घर ढूंढती हैं, 8-10 दिन में दूसरा घर मिलता है और वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती हैं। लेकिन जब उस बिल्डिंग में वो शिफ्ट कर रहे थे तो वहाँ के लोगों से बात करते हैं, तो उस बिल्डिंग के कुछ आस पड़ोस के जो लोग थे वो बताते हैं कि जिस फ्लैट में आप रह रहे हो वहाँ पे आज तक कोई रह नहीं पाया है। नए वाले में भी जिस फ्लैट में आप पहले रह रहे थे, हाँ, जब शिफ्ट कर रहे थे ना, वो टाइम की बात है। हाँ, तो मतलब आपसे पहले भी कोई आया था यहाँ पे जो 1.5-2 महीने के अंदर इस घर को खाली कर दिया। तो वही मैटर रहा। और उस घर में कुछ ना कुछ पंगा है जिसकी वजह से वो रेंट पे जल्दी जाता नहीं है, अगर कोई रेंट पे उसमें आता भी है तो जल्दी ही खाली कर देता है। अच्छा हुआ आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप जल्दी मतलब कुछ बिना कुछ प्रॉब्लम हुए, बिना कुछ मतलब गड़बड़ हुए आप इस घर को खाली कर रहे हो। उसके बाद जाते हैं वो दूसरे घर में रहते हैं, उसके बाद से उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं बीतता है। सोचो कि मतलब क्या क्या होता है लोगों के साथ। किस्मत अच्छी थी कि इन लोगों ने समय रहते सही कदम उठा लिया। वो घर को छोड़ के चले गए भाई। अगर उस घर को नहीं छोड़े, सबसे पहला अच्छा कदम तो मुझे ये लगा कि लड़की ने ली। हाँ। ना? कि वहां से निकल गई, अपने मामा के घर पे चली गई और वहीं पे जो अपने बच्चे को जन्म दिया। हाँ। उसके बाद इन लोगों ने वक्त रहते उस घर को छोड़ दिया, नहीं तो पता नहीं और किस तरह की अनहोनी हो जाती। खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उम्मीद करते हैं कि आज ये और इनका परिवार बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रहा हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों, साथ ही साथ आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद किए हैं, बहुत अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाली यूनिक डिफरेंट से खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनसा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक हो तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।